Morning, ladies and gentlemen, morning YouTube, and welcome back to 88 Racing. So today we're gonna go and take delivery of a bike. It's not a brand new bike. We're just gonna buy it from a friend of ours, and it's for a friend of mine actually. Wo navy mein kaam karta hai aur filhal he is out of city, to wo pahunchega abhi very soon. Before he comes, we need to get that bike and get everything ready for him to take delivery. So hum aaj chalte hain aur bike ki delivery lete hain. Chaliye. पुरानी गाड़ी लेके आने का सजा मिल गया अपने को. मम्मी का अल्टो लेके आया था, अब देखो क्या हो गया. फैन बेल्ट टूट गई वहाँ से. अब इस गाड़ी को अगर हम आगे लेके जाएंगे तो बैटरी हो जाएगा डाउन और उसके बाद गाड़ी खड़ी हो जाएगी, तो अभी अपन आगे नहीं जा सकते. तो जिन भाई साहब की बाइक है उनसे पूछते हैं कि वो अगर आ पाए तो उनको यहाँ बुला लेते हैं, बाइक हम ले लेते हैं उनसे यहीं पे. ये पे उनको पैसे दे देंगे और बाइक ले लेंगे, क्योंकि मेरे को लगता नहीं ये गाड़ी और आगे जा पाएगी. तो फाइनली अभी आधा एक घंटा बाद यहाँ के एक लोकल मैकेनिक ने हेल्प करके वो ठीक करके दिया अपना बेल्ट. और इस बंदे ने भी वैसे बहुत हेल्प किया. यह घर से आया फुसू, हमारे ग्रुप का ही मेम्बर है, ये भी निकल के आया घर से और गाड़ी हो गई अभी ठीक. अभी हम वापस जा रहे हैं बाइक लेने. चलिए. सो हम पहुंच गए डेस्टिनेशन एंड वी हैव टेकन डिलीवरी ऑफ द बाइक. एंड उसके साथ हमको मिला एक बहुत सुंदर गिफ्ट. वो गिफ्ट हम नहीं दिखाने वाला है क्योंकि अबव 18 इयर्स का गिफ्ट है वो. तो भैया की बाइक है, तो भैया ने हमको दी है बाइक. बाइक दिखा देता हूँ आपको एक बारी. एक ग्लिम्स आपको दिखा दिया. अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और लगाने वाला हूँ गोप्रो. तो चलिए यहाँ से शिफ्ट करते हैं, पहुँच जाते हैं गोप्रो में. आ गए हम गोप्रो में एंड अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं. बाइक स्टार्ट कर लिए हमने, रिहान गाड़ी चला रहा है. ये लोग निकल गए, अभी मैं निकल रहा हूँ बाइक लेके. चलो बाय बाय. बहुत टाइम बाद इन लाइन फोर ऑन द स्ट्रीट्स. बाइक भगा के मजा आता है. जो इनलाइन फोर का साउंड है ना, वो सुन के दिल को इतना सुकून मिलता है, क्या बताऊं मैं. मुझे एक गट फीलिंग आ रही है कि जिसके लिए हमने बाइक ली है वो उस दोस्त को बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि उसको स्मूथ बाइक चाहिए थी और बाइक है एक्सट्रीमली स्मूथ. आफ्टर ऑल इट्स अ होंडा इंजन. होंडा बाइक्स आर वेरी स्मूथ ऑलवेज. वो आगे निकल जाए फिर फ्लाई बाय करेंगे उनको वापस. ये किस बात का ट्रैफिक जाम हो गया. ये ट्रक वाले ना कहीं भी रोक देते हैं अपनी गाड़ी, मतलब कोई तौर तरीका नहीं. कहीं भी रोक दिया, कैसे भी पार्क कर दी. वैसे बाइक ना स्लो चला के भी मज़ा आता है. इतना अपराइट पोजीशन है इसका, हैंडल बार जो है इतना ज़्यादा वाइड भी नहीं है. वैसे मज़ा आ रहा है गाड़ी पे. देखो ये लोग आराम आराम से, ये भी जा रहे हैं आराम आराम से, मैं भी जा रहा हूँ. फिलहाल तो मैं गाड़ी से स्लो ही चल रहा हूँ. ये देखिए ट्रक के पीछे क्या लिखा है, ऑसम रेस. मतलब इसको ऑसम रेस लगानी है, बताइए. भाई
भाई साहब, साउंड साउंड साउंड, ओह जो आवाज़ है ना इस बाइक की, माइंड ब्लोइंग। और बाइक इतनी बटर स्मूथ। मेरे को धीरे धीरे जाना पड़ रहा है क्योंकि ट्विंकल और रेहान स्लो आ रहे हैं थोड़े से। वैसे भी वो है गाड़ी में तो स्लो ही आएंगे। इसका लुक्स छोड़िए, साउंड की वजह से देखिए हर कोई कैसे देखे जा रहा है, रोड साइड वाले लोग जितने भी रोड के साइड पे। अब सोचिए यहाँ पे इतना देख रहे हैं, सिटी के अंदर क्या होगा। अभी ऐसा जो शाम का टाइम होता है ना, इस टाइम पे धीरे धीरे ही चलाना चाहिए क्योंकि इस टाइम को क्या होता है कि ज़्यादा दिखता नहीं है लोगों को। अभी कोई दूसरा बंदा भी होगा ना रोड क्रॉस कर रहा होगा या कुछ, तो उसको मेरे लाइट्स प्रॉपर नहीं दिखेंगे, विजिबिलिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो इस टाइम पे ना थोड़ा सा देख के ही चलना चाहिए, थोड़ा स्लो जाने से बढ़िया है। इतना आराम लगता है, इतना मज़ा आ रहा ना ये बाइक चला के, और इतने टाइम बाद में चला रहा हूँ ये बाइक। उधर स्मोक देखो, पोल्यूशन देखो, और पुलिस वाले सिर्फ बाइकों के पीछे पड़े रहते हैं, उनको ये नहीं दिखता। ये तो कहीं भागने वाली चीज़ भी नहीं है, फैक्ट्री है, ये भी नहीं दिखता। पैसों की बात है, पैसों की। अल्टीमेटली उनके दिमाग में एक ही चीज़ होता है कि पकड़ो, चलान करो, पैसे खाओ। उनका ध्यान उतना तक ही होता है, चलान करो पैसे खाओ, चलान करो पैसे खाओ। तो अभी जब हम आ रहे थे ना, तो आते टाइम मेरा जो फैन बेल्ट टूटा था, यहीं पे टूटा था, इसी जगह पे टूटा था कहीं पे। उधर से मैं आ रहा था, पेट्रोल पंप पे फ्यूल कराया, फ्यूलिंग करा के जैसे ही मैंने थ्रॉटल दिया, यहाँ पे कहीं पे टूट गया था। चलो शुक्र है भगवान का कि मैं एक मारुति की गाड़ी लेके आया था जिसका काम हर कोई कर सकता है बहुत इजीली। तो मैकेनिक ने पता नहीं, शायद मेरे को लगता है वो ना कोई ऑटो वोटो का फैन बेल्ट होएगा, मैजिक ऑटो ये सब का, तो उसने वो डाल के दिया और गाड़ी हमारी ठीक हो गई और हम जा सके, बाइक ला सके, नहीं तो अटक जाते हम यहीं पे। मैं तो वही सोच रहा था कि बाई चांस अगर ये गाड़ी होती फोर्ड या वैसे किसी कंपनी की, इम्पोर्टेड कंपनी की, तब क्या होता। लाइट हो गया है बहुत कम, आई एम नॉट इवन श्योर कि आप लोग प्रॉपरली देख पा रहे हो कि नहीं। आई होप आप देख पा रहे हो।